हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को हम फिलहाल दिख रहे होंगे चलते हुए। एक्चुअली क्या हुआ, आरती के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है स्पेस की, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे फ़ोन से आधा सामान होगा इसके फ़ोन में, आधी चीज़ें हैं। मतलब लाइक मेरे में अगर 3,500 फोटोज है तो इसके में 2,000 फोटोज होंगी, और कोई भी ऐप नहीं है। इवन मेरे में तो पबजी तक भी है, तो मेरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भाई। भी नहीं है स्टिल। उसके बाद भी इसकी स्टोरेज फुल रहती है। इवन इसने खरीदी भी हुई है ना, कितनी खरीदी हुई है? 200 GB, 200 GB खरीदी हुई है। और हम एप्पल स्टोर आए हैं वही दिखाने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग पहले ही बहुत पहले उतर गए नीचे। हाँ, हम लोग बहुत पहले उतर गए, जिसकी वजह से अब हमें वॉक करके आना पड़ा। और मैं बहुत देर से सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट नहीं कर पाई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा गाइस, हियर वी आर। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो गाइस, यहाँ ये स्लॉट बुक कर रही है इसको स्कैन करके। अगर ये पता होता तो पहले स्कैन करके स्लॉट बुक कर लेती हैं। वैसे ही हम इतना चल के आए, मैं तो थकी गई भाई। चलो हो गया। गाइस आपको पता है, जब सन्नाटे जैसी शांति होती है और एकदम से गाना चला तो ऐसे मेरा गाना चला। कौन सा गाना चला था मेरा वाला, जो मैंने वीडियो डाला शायद। हाँ, इसने अभी कोई वीडियो डाली और एकदम से ना इंस्टाग्राम ही खुल गया। जैसे ही मैंने बंद किया और मैंने सीधा साइड में देखा, मैं इतनी रोटी पाऊँ, मैं खुद डर गई। वो सारे के सारे जितने यहाँ एप्पल स्टोर में बैठे, सारे के सारे हमारी साइड देखने में। गाइस देखो मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है ना। जाओ आरती। सो गाइस, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। भैया ने इसको सजेस्ट किया है कि कस्टमर केयर पे बात कर ले। इसकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और बेफालतू में मुँह और बना रही है। पता नहीं पागल है ये दिमाग से, इसको ब्लॉक कर दो सारे के सारे। हाँ, करवा नहीं पाएगी। चला रही। सो गाइस, आरती यहाँ पे ऑर्डर कर रही है। हमारा वहाँ पे एप्पल स्टोर में तो काम हुआ नहीं, हम वहाँ से निकल के आ गए। टैको बेल, चीज़ी फ्राइज और एक चीज़ी लोडेड नाचोस और फ्राइज़ में ना चीज़ अच्छे से डाल देना। मुझे आप लोगों का मतलब जो आप चीज़ डालते हो उसमें वो बहुत अच्छा लगता है। सो हमने लिए हैं लोडेड फ्राइज। यहाँ के फ्राइज बहुत अच्छे हैं और यहाँ के नाचोस भी बहुत अच्छे हैं। इसको सर्दियों में कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। कोक ले लेना, विदाउट आइस कर देना। गाइज ऑर्डर हो चुका है और पेमेंट भी कर चुकी है ये, तो मैं जाके जरा बैठ जाती हूँ, मुझे तो सिर्फ खाना है। बेचारी का काम हुआ नहीं, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो नहीं हुआ। उल्टे इसके पैसे मैंने खाने में ऑर्डर, है ना। अच्छी बात, हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती है। आज मैंने इसके साथ उल्टा किया है, ज़रूरी है। मैंने कहा काम तो हुआ नहीं, उल्टा पैसे और खर्च करा दिए खाने में। ये रहा, पर अच्छा लगता है कभी कभी आरती जब खर्च करती है मेरे ऊपर। नहीं नहीं, तू ही मेरा खर्चा उठा रखा है, तूने तो मुझे पाल रखा है भाई। ये मेरा पूरा जिंदगी का 26 सालों से मेरा खर्चा उठा रही है बेचारी। है ये 24 साल की, बट 26 साल से मेरा खर्चा उठा रही है। और पता गाइस अभी क्या हुआ, ये वहाँ पे ना अपना नंबर बोल रही है, मुझे ऐसे ध्यान नहीं रहा कि ये मतलब नंबर है। और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और ये कहती हाँ दे 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 मेरा नंबर दे दे, बट मैंने शूट नहीं किया था उस टाइम तक। हम प्रीत ये मुझे लगा ये लिखा है प्रीत, कोई प्रीत विहारी तो लिखा है। ये प्रीत विहारी है, ये प्रीत विहार नहीं है, हम निर्माण विहार हैं। वो उस साइड पे निर्माण विहार है, इस साइड पे विहार है। चलो ये प्रीत विहार है और सामने भी ऐसा तो वो निर्माण विहार हो गया। वाओ, ये तो मैंने आज पहली बार देखा है। पानी तो ऐसे दे देंगे बिना पैसे के भाई, पानी मांग के आते हैं ज़्यादा देंगे। नहीं मैं नहीं, मेरे से उठा नहीं जाता। हमारा ऑर्डर आ गया है, थैंक यू सो मच। हमारा ऑर्डर आ गया, ये इधर घुमा ले बहन, ये मेरा, ये दे रही हूँ। ये इसे घुमा पहले, ऐसे घुमा भाई। मैंने को ना चीज़ी नाचोस कराने थे और ये और लोडेड में उन्होंने राजमा डाल दिए नाचोस के साथ।
तो गाइस देखो क्या करवा दिया ये। ये चेंज भी नहीं हो सकता ना गाइस। नाचोस को देखने के बाद मेरी शक्ल देखो, मैं ये चाहती थी भाई। मैंने जो खाए थे वो चीज़ी नाचोस थे, अच्छे मुझे वहाँ पे भी चीज़ी नाचोस ही दिख रहे थे, बट ये लोटे कैसे हो गए मेरे को समझ नहीं आया। तो देख लो कोक वोक पी लिया पर ठंडी है फिर। सो गाइज हम लोग टैको बेल के बाहर वहाँ से निकल भी गए और हम क्लिप नहीं बना पाए, हम सीधा घर ही आ गए थे क्योंकि काफ़ी पास ही था। और घर आके थोड़ी सी रील शूट करनी थी, हमने रील शूट की। और इधर आरती चेंज कर रही है मायरा का डायपर और मैं बात कर रही हूँ फ़ोन पे। से हेलो मैं फोन पे बात कर रही हूँ और मायरा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ओए इतना क्यों शर्मा रहे हो, वैसे बताना तुम लाइव नहीं आए थे कल। अच्छा तुम कल यहाँ लाइव आए थे तो तुम आज क्यों नहीं लाइव आ रहे ये बता दो बस। हैं आपकी मर्जी क्या होती है, सॉन्ग हमारा आज आया आज प्रमोशन करो, सॉन्ग आने से एक दिन पहले प्रमोशन कर दिया क्यों। अब हमारी मर्जी, अब सॉन्ग प्लीज हमारा सॉन्ग प्रमो। अच्छा इसमें बोल दो, इसमें तो बता दो गाइस जल्दी से चले जाओ, दादा किशन चैनल पे यादव वाला सॉन्ग आ गया, जल्दी जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, बहुत सारा प्यार दो, रील्स बनाओ, ट्रेंडिंग पे जाओ, भर भर के रील्स बनाओ, भर भर के रील्स बनाओ। ठीक है बताओ गाइस पापा के इंस्टा, नहीं 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 गाइस पापा के इंस्टाग्राम पे एक, मम्मी रुक जाओ एक, नहीं 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 अरे नहीं चाहिए भाई, अरे नहीं चाहिए भाई, अरे ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए, जो बात है वो बात है ना। मम्मी मम्मी रुक जाओ भाई, हम ठीक है, ये मेरी है ना दोनों, ठीक है गाइस गाइस ये तीनों मेरी है, रुक जाओ बात तो सुन लो पहले, बात नहीं चाहिए भाई, अब बात होगी, पहले बात होगी, नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, हम रील डलवा देंगे सर्ट नहीं लगा। गाइस देखो ये बात हुई है कि पापा जी का अकाउंट है जो पापा ने उसपे एक रील बना रखी है, ठीक है मैं दिखा देती हूँ, रील बनी हुई है उसपे 400 रील्स बनी हुई है, मैं दिखा देती हूँ आपको ऑडियो, हाँ मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक सेकंड रुको, ये रहा फोन ठीक है और ऑडियो है, पापा कौन सी ऑडियो थी, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं हम नहीं लगा रहे सर, नहीं नहीं आपने मेरे से आपने हम तो नहीं लगा रहे, अभी नहीं लगा रहे थे, तू भी इन्वॉल्व थी, तू ज्यादा तेज मत बन, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ सारे के सारे मिलके। मम्मी एक मिनट रुक जाओ, मम्मी ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अगर अरे रुक जाओ ना रुक जाओ गाइस, ये देखो ये तू चुप रही हो और दो मिनट चुप रही हो गाइस, ये वाली ना ऑडियो है पापा की, ठीक है इसमें 375 रील बनी हुई हैं। पापा ये कह रहे हैं ये ऑडियो आज आई है, मतलब इसका सॉन्ग जो है वो आज रिलीज हुआ, और पापा ये कह रहे हैं पापा ये जो 375 रील्स जो है ये पापा की, पापा इनको उस सॉन्ग में ऐड करवा देंगे। और मैं कह रही हूँ ऐसा इंस्टाग्राम पे नहीं होता, पहले तो आप लोग कमेंट में बताना ऐसा होता है नहीं होता, और इस चीज की पापा नहीं दे सकती आरती को नहीं दूंगी, आरती को नहीं दूंगी, शर्त इतनी है कि अगर पापा ने ये 300 गाइज ये 375 रील्स मैं इस व्लॉग में बोल रही हूँ, और ये व्लॉग लाइफ टाइम के लिए वेब, आपने बोला क्यों, और तुम दोनों ने उसके बाद तुम दोनों मिलके मेरे से फालतू की एक्टिंग भी कर रहे हो, चुप रह, तू नहीं पापा के साथ एक्टिंग बाजी कर रही, फोन मिलेगी फोन मिलेगी, तूने क्यों बोला फिर, फोन नहीं देना तो तेरे को, तो इसको मतलब इसको मेरा फोन चाहिए, इसको मेरे फोन चाहिए, नहीं इसको मेरे फोन से प्रॉब्लम है फिर, नहीं दूंगी भाई आरती को, नहीं दूंगी तो मैं आरती को क्यों दूं। अच्छा सुनो मम्मी, अरे माँ भाई माँ, नहीं मम्मी एक जेन्युइन बात है, अगर ये ऑडियो आरती भी कह रही है, हम सर्त नहीं लगा रहे, तुम आरती का मतलब क्या है इसमें, तुम आरती का क्या मतलब है इसमें, अभी तो तू शर्त लगा रही है कि तू फोन पापा कह रहे हैं, तू भी तो यही कह रही है कि ऐड नहीं होगी तो तू फोन कैसे ले लेगी, ये बता पहले, सुन ले अपनी अपनी, तू तेज मत बन, तू फायदा देखती है अपना, हाँ फोन मुझे देगी, अब आप किसी को भी दो वो बात अलग है ना, तो मेरे को अगर मेरा फोन, मैं कहती हूँ हाँ मैं कह रही हूँ 375 रील अगर ये नहीं ऐड नहीं होंगी
और ये पक्का ऐड नहीं होंगी, पर अगर ये ऐड नहीं होती तो दोनों मिलके दोनों फिर मेरे को पैसे, अच्छा फायदा ये लेगी और नुकसान में जो जो नुकसान है वो हम भरें। ये क्या मतलब है, जब पैसे देने होंगे तो तुम दोगे, पर तो फोन क्यों लेगी फिर आरती, दिमाग खराब कर रहे हो। मतलब अगर तुम दो ना डबल पैसे फोन के, तुम डबल पैसे दो ना, तुम डेढ़ के 3 लाख दो, अरे हम शर्त नहीं लगा रहे, शर्त नहीं है तो फिर मेरे से कर दिए। ये बहुत शाणी है, मम्मी को देख लो। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल क्या हुआ, उस घमासान लड़ाई के बाद मैंने खाना खाया और मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई यार, मुझे झपकी लग गई और मैं सो गई, मुझे पता नहीं चला। और अब सुबह उठी तो मेरे को याद आया कि यार मैं तो व्लॉग बना रही थी, तो मैंने उसी व्लॉग को कंटिन्यू करा है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये बुआ जी, बुआ की मतलब बुआ के बेटे की जिसकी लगन थी उसकी हल्दी और मेहंदी जो है वो मतलब बुलंदशहर साइड है, सिकंदराबाद साइड है। अब कभी तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हल्दी में चलते हैं, कभी ये लोग डिसाइड कर रहे हैं मेहंदी में, ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कि कपिल भैया लेके जाएंगे या प्रिंस लेके जाएगा या ड्राइवर जाएगा साथ में, भाई साहब इतनी कन्फ्यूजन कर रखी है इन लोगों ने, मुझे इन लोगों का पता नहीं। मुझे मेरा पता है कि मुझे आज जाना है नोएडा, बस ये नहीं पता मुझे कि भाई अभी आरती मेरे साथ जाइए क्यों नहीं, क्योंकि उसने बोला अगर प्रिंस तुम लोगों के साथ जा रहे हो तो मैं आज तुम लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं इसके साथ जाऊँगी, मेरे साथ जाएगी ठीक है। बट शायद अगर प्रिंस नहीं उठा तो फिर वो उसे इनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्राइवर भैया उन्हें रास्ते का नहीं पता है। चलो वो तो देखते हैं, मुझे जाना है नोएडा तो मैं और मायरा तो भाई नोएडा के लिए तैयार होंगे। इन लोगों का जो एक घमासान है ना, कन्फ्यूज़न है, जो एक बार डिसाइड ही नहीं होता, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी ये लोग कर क्या रहे हैं। ये देखिए येलो हल्दी के, अभी ये लोग बैठे ही हैं वहाँ, ये भी हो सकता है चाहे जा रहे हैं वहाँ हल्दी हो आके लड़का खड़ा हो जाए ये उस टाइम वहाँ पहुँचे, क्योंकि अभी फिलहाल यही है। येलो येलो डट्टी फैलो येलो देख लो गाइस, इन्हें देख लो, अरे मम्मी लग रही है मस्त भाई, माँ कसम सच्ची बता रही हूँ, सबसे सुंदर सूट मम्मी का लग रहा है। मम्मी खड़ी होकर दिखाओ, मम्मी जल्दी खड़ी हो जाओ। ओ तिल्लेदार जुतिया चालू मैं कसूती। तो तुम ये तो बताओ आरती में जाके करोगे क्या, क्या जाएंगे खाते क्या जाएंगे, यार घूमने वाली जगह है क्या, मेरा बेटा शुला रहा है, शोर है मेरा बेटा। और गाइस मैं खुद को भी दिखा देती हूँ आपको, ये रही मैं, आई एम नॉट इन अ येलो कलर, आई एम इन अ ब्लैक एंड रेड, क्योंकि मैं नहीं जा रही जी व्लॉग बना रही है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस कल खाना वाना खा के मैंने कोई आगे क्लिप ले ली, मैं सो गई थी। सेम हम दोनों ने एक ही काम किया, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, तो ये तो पहले ही सो गई थी, फिर मैं तो रो रहा के चुप सो गई, आरती रो रहा के जगी रही। मैं सोई 12:30 बजे और मैरो रात तब मैं जग गई थी, मैरो रात मम्मी पापा के पास थी वही सोई थी, और क्योंकि पापा ने सोचा कहीं हम दोनों के झगड़े के चक्कर में मैं ना। और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हल्दी में, जो हल्दी कभी भी खत्म हो सकती है गाइस, गाइस ये हल्दी कभी भी खत्म हो सकती है। हेलो गाइस, गाइस देखो इसके फोन, ये मेरी क्लिप चुरा रही है। हाँ गाइस मैं इसकी क्लिप चुरा रही हूँ, 2-3 करोड़ रुपए की क्लिप थी। तो हम ये देखो गाइस मेरी फोटो, लेटरिंग में बैठो अभी ले थी ना, आप लोगों ने देखा होगा कहाँ बैठे भैया, वहाँ पे हम ब्लॉग बना के हम जाएंगे। ओए मम्मी ब्लॉग बना के लाएंगी, मम्मी क्या बना, मम्मी तुम भी ब्लॉग बना रही हो क्या। भाई आरती ये दुपट्टा, मुझे ना इस टाइप के दुपट्टे वाले सूट बहुत पसंद है एकदम, मेरा वाला जो मम्मी नाच के दिखा दो थोड़ी सी, बल्ले 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 बल्ले। मेरा एक गीत का गीत सुनने का मन कर रहा है, मम्मी गीत गई हो, हल्दी पल्दी छोड़ो, मम्मी गीत गा दो एक कई को भी। अरे यार मम्मी तुम जल्दी गाओ, अब तो भाते ही पाते ही सब हो गया, आप मम्मी कुछ सुना दो। चलो चलो गाइस, हाँ भैया कर दो बंद। तो फाइनली गाइस ये हल्दी में चलने को तैयार हो गए, ये चल दिए हैं, और ये मुझे भी छोड़ आरती रखियो बाबू अंदर चलो। सो गाइज मुझे घर छोड़ दिया था इन लोगों ने, और मैं अपनी क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि माँ आयु मेरी गोदी में थी और मैं घर आ गई थी, और घर आके मैंने
चाय पी, नाश्ता किया, मैं करके आई थी बट मैंने दोबारा किया। और फिर मोनी रेडी हुए क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना था और हम निकल चुके हैं। ये रही मायू, ये रही मैं मोनी। और आज हम शायद ना पहले बहुत टाइम बाद तीनों एक साथ व्लॉग में दिखे होंगे। आज हम बहुत टाइम बाद एक साथ व्लॉग में दिखे हैं। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मुझे तो नोएडा जाना है, तो अब हम निकल चुके हैं और हम हैं, तो चलो चलते हैं और आपको बताते रहेंगे कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। और हाँ, ये लोग जहाँ गए हैं ना वहाँ की भी क्लिप डालूंगी मैं। मैंने इन लोगों को बोला है भाई मेरे को लेके नहीं गए, तो मुझे वहाँ की सारी चीज़ें चाहिए, तो वो क्लिप भी आपको इस व्लॉग में देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। सारे हम कर रहे हैं मस्ती और पूजा भी वीडियो कॉल कर रही है यहाँ पे सबको देखने के लिए। खाना भी देख रही है, कह रही है खाना भी दिखाओ मुझे, खाने में क्या है। अब हम लोग खाएंगे खाना, चल ठीक है। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट। हम जितनी बार भी आ जाएं यहाँ पे बट हम हर बार एक नए रास्ते से आते हैं, तो इस बार भी हम एक नए रास्ते से आए हैं जो कि मुझे बिल्कुल मोनी समझ नहीं आ रहा है इस समय, बट ठीक है। आप लोगों को शायद ये मार्केट समझ आ रही होगी, आप देख सकते हो, तो कमेंट्स में जरूर बताना यार ये कौन सी मार्केट है। और मोनी आपको पता है कौन सी मार्केट है? मुझे पता है, तो बता दूं फिर मैं इन लोगों को। नहीं नहीं, आन दो कमेंट्स आन दो, जब तो पता लगेगा कौन सी मार्केट। हाँ, तो गाइस पहले आप लोग बताओ ये कौन सी मार्केट है, फिर हम आपको बताएंगे कौन सी मार्केट है। और एक चीज और दिखा दो, वैसे देख लो यार इतने में ही पता चल जाएगा, है ना। बस बस इतनी भी वो मत दो फिर लोगों को, तो फिर तुम पहले तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सी मार्केट है, हम लोग कहाँ आए हैं। चलो तो गाइस हम मार्केट से निकल चुके हैं और ये देखो लड्डू सो रही है, मस्त धूप ले रही है। और अब हम लोग ना घर की साइड जा रहे हैं, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। आप लोग फ्राइज खिलाओगे ना? हैं फ्राइज क्या होता है? आपने कहा था फ्राइज खिलाओगे भाई, इसमें रुकना पड़ेगा वहाँ पे, गाड़ी पार्किंग करके इतनी दूर जाना पड़ेगा, खिला दूंगा शाम में। शाम को कहाँ से खिलाओगे? खिला दूंगा बढ़िया जगह से, मुझे वो ही वाले चीज़ी फ्राइज खाने हैं। अगर इन्होंने मुझे चीज़ी फ्राइज नहीं खिलाया ना गाइस, तो मैं ना व्लॉग में दोबारा आके बताऊंगी। फिर आप लोग जाना और इनकी इंस्टा आईडी पे जाके कमेंट्स करना कि भाई आपने चीज़ी फ्राइज क्यों नहीं खिलाया भाभी को या दीदी को। ठीक है गाइस, देख लो ध्यान से देख लो इस इंसान को, इनके आईडी पे जाना। ठीक है मोहित यादव, चलो अब घर चल के मिलते इसको। ऊपर से मैं और मेरा घर आ चुके हैं, हम घर आ गए हैं। खा लिया फ्राइज और मेरा खेल रही है, एक्सरसाइज कर रही है, धूशुम विशुम, ये लड़ रही है आपसे पर ये देख मम्मी को रही है, ये खेल भले ही आपके साथ रही है बट इसका ध्यान मम्मा पे है। मम्मा पे है, दादी पे है ध्यान, है ना भाई? जिचुम जिचुम गुड्डू भी देख लो, ओए गुड्डा उधर भी देख लो, उधर भी देखो, देखो देखो क्या कर दे। गाइस मैं और मायरा आप जा रही हैं वापस घर। हम लोग, मैंने आपको दिखाया था रास्ते में हमने चाय वगैरह पी ली थी और मोनी हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। एड्रेस मत ले लेना घर का, मारूंगी आपको। हां घर का नहीं है, अब उधर हो जाओ ना। हां इधर जाऊंगा, उधर एड्रेस है। बाय बाय, अब हम घर जाके मिलेंगे आप लोगों से। इसको ओए मेरी बेल्ट भी रख दी ना। हाँ पीछे रखी थी। ठीक बाय बाय। ये हमारे घर नहीं आ रहे गाइस, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मम्मी बेचारी अकेली हो गई, क्योंकि ये मन्नू जब घर से आते तो मम्मी का थोड़ा मन मन सा ऐसे रहता, तो मैं जाके हंसी मजाक करूंगा तो ठीक हो जाएगी। ठीक है तो बाय बाय। संदीप भैया की शक्ल तुम्हारी लीड के चक्कर में। कोई नहीं यार, खो गई क्या हो गया, और आ जाएगी। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और ये देखो आते ही ये नानू के साथ इसने खेलना शुरू कर दिया। भाई कैसा रहा तुम्हारा फंक्शन? साले फेंक दूंगा, फेंक दूंगा। और थके नहीं हो क्या? थक गई मैं तो, एक घंटे सो भी गई। हां भाई फेंक दो, मजा आया।
अरे मैं ब्रेक दूँ पापा से लेटा हो जैसे लेटा हो रहा है नहीं लेट 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 जा ओए गुड्डा लेट जा नो लेटेंगे नो लेटना नवाब है हम नवाब रोने लग जाएगी रोने नवाब नुकदम नवाब है नवाब है हम ओ क्या नवाब 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 ओए मामी दादी का दूध पी का है मामी क्या हालत देख लो मामी कैसे हो गया नारी गुजरिया तो सारी मटके चले मेरे हां मामी कहीं से भी मैचिंग नहीं हो रही हालत सारी मटके हां चलिया नारी गुजरिया तू तो चारी मटके उले मेरा गुड्डा गंदा गंदा पेट बना के दिखा रहा है ओए ओए काबट हो गई ये इसको भुकुलगी है देख 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 हमें डिस्टर्ब मत करो गाइस हमें अरे मेरा गुड्डा बेटा मेरा बेटा सोना बेटा चलो भाई बाय बाय भाग जाओ भाई भाग जाओ गाइस डिनर में बना है दलिया तो मैं अब खाने जा रही हूँ दलिया और यहाँ ये मैडम मौसी और भांजी कर रही हैं उसका डायपर चेंज कर रही है ये अभी उसे खिला रही है खेल रही है देख रही मैडम को हाय हाय और भाई मैं जरा डिनर करूँगा।